अधिक मास होता है, एक मास में एक भी संक्रांति ना हो तो उसे अधिक मास कहते हैं। मल मास, पुरुषोत्तम मास, ये सब एक ही मास को कहते हैं, अधिक मास को। अधिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से पहले आप एक और ले लो, क्योंकि उस फॉर्मूले में इस वर्ड का जो है ना उसका नाम यूज किया गया है। पंचांग देखने के लिए कुछ राजघरानों के नाम के हिसाब से, उनके नाम के अनुसार ये नाम दे दिए गए आगे के लिए, और ये सभी परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं को आप याद कर लीजिएगा, याद रहे तो अच्छा है, वैसे भी दिख जाएगा। आपने पंचांग में देखा होगा ना, ये विक्रम संवत लिखा होता है। विक्रम संवत क्या होता है? अधिक मास पे हम बात कर रहे थे, ये इसमें आपको शालीन वाहक शक होता है, उसका फॉर्मूला होता है। इस वजह से मैं आपको बीच में ये देने लगा, विक्रम संवत, शालीन वाहक संवत, यूरोपीय संवत होता है, हिजरी संवत, इसको यवनी संवत भी बोलते हैं। विक्रम संवत निकालने का तरीका है, ये ईसवी से यूरोपीय संवत, ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी उस दिन यूरोपीय संवत उस दिन से शुरू हुआ था, जो ईसवी हमारा शुरू हुआ ना, 1111 जो शुरू हुआ होगा उस दिन से यूरोपीय संवत है। यूरोपीय संवत से 57 वर्ष पहले ईसवी में आप 57 प्लस करेंगे तो ये आता है, जैसे अभी ईसवी है 2019 प्लस 57 तो ये हो जाएगा 2076। जो आपने देखा होगा अभी जितने भी पंचांग पे विक्रम संवत 2076 विक्रम संवत जो होता है उसका मतलब ये होता है, 57 वर्ष पहले शुरू हुआ था। शालीन वाहक शक, जो शक संवत हम बोलते हैं जिसको, इसको शक संवत बोलते हैं, ये इसके 135 वर्ष बाद हुआ, विक्रम संवत के 135 वर्ष बाद हुआ, या ईसवी में आप 78 वर्ष माइनस करेंगे तो ये संवत आता है शक संवत। मतलब 2019 में 78 वर्ष माइनस करेंगे तो 1941 आएगा, ये हो गया शक संवत। यूरोपीय संवत आपको समझ में आई गया है, ये हुआ था 15 जुलाई 622 ईस्वी में। इसमें भी 12 महीने होते हैं, इसमें भी 12 महीने होते हैं, इसके 12 महीने हम लोग तो चंद्र महीने जो हमारे होते हैं वो आ ही रहे हैं, इसके 12 महीने यूरोपियन शक के जो 12 महीने होते हैं वो जनवरी फरवरी वाला है, जो इंग्लिश डेट हम लोग अभी तक पढ़ते हैं, ये है। ये आ गया, मैं अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास की जो बात कर रहा था वो इसमें हो, उसका इसमें नाम आएगा। एक पारसी शक और है, 630 ईस्वी से शुरू हुआ था, ये केवल जानकारी है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जो 12 महीने होते हैं इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कहीं अगर ऐसे विद्युता दिखाने की जरूरत होती है तो याद कर लीजिएगा, किसी को चाहिए तो मैं लिख के दे दूंगा। देखिए अधिक मास या मल मास कैसे निकालते हैं, फटाफट एक कैलकुलेटर लीजिए, उसे कैलकुलेट करना शुरू करिए। जो शक संवत चल रहा होता है इसमें इंटू 12 करेंगे और 19 से इसको डिवाइड करेंगे, 1941 वाला यही है ना, 23,292, ये हो जाएगा 4, 2, 2, 38, 4, 9, 2, 38, 11 और 2, ये हो जाएगा 5 और ये 95, 95 में 5, 17, ये 17 शेष बचा ना इसमें 17, 3 साल में एक बार आता है, बिल्कुल सही है, 32 महीने के बाद आता है ये अधिक मास जो है ना, 32 महीने के बाद आता है, 3 साल में एक बार आता है। इसी तरह से 6 मास है जो 19 साल में या 141 साल में एक बार आता है, 19 साल में आता है और 141 साल बाद आता है, ये 17 आ गया। इसका फॉर्मूला है, अगर शेष 9 बचता है तो अधिक मास आएगा उस साल में, अगर शेष 9 नहीं बचता है तो अधिक मास उस साल में नहीं आता है। जिस साल में भी आप देखेंगे, 2018 में अधिक मास आया था, मल मास बोलते हैं या पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, शेष अगर 9 बचता है तो। अगर 5 से 5 या 5 से ऊपर बैठे तो जितना भी अंक बैठता है उसमें से 2 माइनस करेंगे, और 5 से कम बैठे तो जितना भी अंक बैठता है उसमें से 1 माइनस करेंगे। जो नंबर आए वो चैत्र
से जोड़कर उसमें जोड़ दिया। अधिक मास हुआ था 2018 में जो शक संबत होगा वो अभी 1941 है, तो 1940 होना चाहिए उसमें। शक संबत में 12 का गुणा करो और 19 से डिवाइड करो, ये फॉर्मूला है। शक संबत जो भी चल रहा हो, शक संबत कैसे बनता है वो भी हमने पीछे देख ही लिया। ईस्वी में माइनस कर दो 78 या विक्रम संबत में प्लस कर दो 135। ईस्वी में आप माइनस कर लो 78 सीधा, जो शेष आए भाग देना होता है इसको, आप कैलकुलेटर से मत करिएगा, वो पॉइंट में आ जाएगा फिर भाग नहीं हो पाएगा। जो शेष आए वो अगर वो 9 से ज्यादा आए तो अधिक मास उस साल नहीं है, अगर वो 9 से कम आता है तो 5 से ज्यादा हो, 9 तक जहां पर 5 या 5 से ज्यादा हो तो उसमें हम जितना भी हो, मान लीजिए 8 आता है तो 8 में हम 2 माइनस कर देंगे तो 6 आएगा, और 6 को हम चैत्र से जोड़ेंगे, जो भी महीना जो भी उसमें नंबर आता है उस महीने में अधिक मास पड़ेगा। अगर ये 5 से छोटा आता है तो 1 माइनस करेंगे, जैसे 5 अगर 4 आता है तो 4 में 1 माइनस करेंगे, और 4 में 1 माइनस करने के बाद 3 आ गया, 3 को फिर यहां से चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में अधिक मास पड़ेगा 6 मास। इसी जैसे ये अधिक मास हो गया उसी तरह से 6 मास अधिक मास होता है, उसमें एक भी संक्रांति नहीं पड़ती और 6 मास में 2 संक्रांति होती है, मतलब सूर्य की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई तो उसमें 6 मास में 2 संक्रांति होती है, और ये 19 साल के बाद 6 मास पड़ता है या 141। अब जो पड़ेगा वो 19 साल वाले 2 हो गए, अब उसके 141 साल के बाद पड़ेगा ये, अब आगे पड़ेगा ये 63 में पड़ गया था, 82 में पड़ गया, अब 2123 में पड़ेगा 6 मास। विक्रम संबत हो गया 6 मास, ये सारी चीजें आपको पंचांग में देखने की जरूरत नहीं है, पंचांग में तो ये जानकारी आपको यूं ही मैं दे रहा हूं, क्योंकि आप जब कर रहे हैं तो इसको ये ज्योतिष वालों को भी ठीक से पता नहीं होता, ना एक ज्योतिष के किसी बुक में ये लिखा होता है, ज्योतिष से मैंने आचार्य किया हुआ था जब, तब भी एक ज्योतिष के बुक में ये सारी चीजें नहीं लिखी होती हैं, केवल इसके नाम लिखे होते हैं और सारा कुछ आप लोगों को देने के लिए फिर मैंने बहुत सारी चीजें इसमें इकट्ठी की, और उसके बाद कहीं से मेरे ख्याल से बच नहीं जाएगा। सौर वर्ष जो होता है ये 365 दिन का होता है, 365 दिन और 6 घंटे का, और चंद्र वर्ष जो होता है वो 354 दिन का होता है, ये 11 दिन का अंतर हो जाता है ना, 11 दिन 3 साल में, 3 वर्ष में जाके 33 दिन में बदल जाते हैं, 33 दिन अधिक हो जाते हैं इसमें, 33 दिन अधिक होने से अधिक मास हो गए। अयन ले लीजिए, 2 अयन होते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, यह है विश्वत वृत्त।